भारत में नौकरी करने वालों के लिए आए अच्छे दिन, भारत में चीन और अमेरिका से अच्छे हालत हैं, भारत की अर्थव्यवस्था ने मारी छलांग, भारत ने अपने नए मिसाइल से किए चीन और पाकिस्तान में धमाके, भारत ने दिखाई अपनी ताकत, ब्रह्मोस के बाद ये नई मिसाइल करेगी दुश्मनों की नींद हराम। तो दोस्तों, दुनिया भर में बाजार की हालत इस समय कुछ ठीक नहीं चल रहे हैं। ऐसे में खुद को महाशक्ति मानने वाले देश इस समय मंदी के सामने घुटने टेकते हुए नजर आ रहे हैं। वहीं कोरोना महामारी और उसके बाद रूस यूक्रेन के कारण दुनिया भर के बाजार को काफ़ी नुकसान पहुंचा है। इसमें अमेरिका और चीन जैसे बड़े बड़े देशों की भी हालत खराब होती चली जा रही है। इस बीच ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही है कि मंदी की चपेट में आने के कारण कई कंपनियां बड़ी संख्या में लोगों से रोजगार छीन रही हैं। इन सब के बीच भारत ही ऐसा एकमात्र देश है जो सुकून की सांस ले रहा है। मंदी की वजह से पैदा हुए हालातों से भारत अब तक अछूता रहा है। जहां एक तरफ दूसरे देश दुनिया भर में आई मंदी के चलते अपने कर्मचारियों को नौकरियों से निकाल रहे हैं, तो वहीं भारतीय कंपनियां ऊंचाइयां हासिल करने के प्रयास में जुटी हुई है। केवल इतना ही नहीं, भारत में कर्मचारियों का वेतन तक बढ़ाने का विचार किया जा रहा है, और वो भी डबल डिजिट में। आइए दोस्तों, आपको डिटेल में बताते हैं पूरी खबर के बारे में कि आखिर ये माजरा क्या है। तो दोस्तों, दरअसल अभी हाल ही में एक रिपोर्ट ऐसी सामने आई है जो भारतीय कर्मचारियों के चेहरे पर मुस्कान ला सकती है। रिपोर्ट के अनुसार महंगाई के बीच कंपनियों की ग्रोथ में प्रॉफिट कम होने के बाद भी भारतीय कर्मचारियों के वेतन में ग्रोथ होने की संभावना ज़्यादा है। ऐसे में कहा जा रहा है कि भारत में सारी कंपनियां अपने कर्मचारियों की सैलरी में 10.5% की ग्रोथ कर सकती है। ऐसे में ONPLC के द्वारा भारत में नवीनतम वेतन ग्रोथ के सर्वे के अनुसार भारत में साल 2023 में 10.4% की बढ़ोतरी होने की उम्मीद है। बात पिछले साल की करें तो साल 2022 में अब तक 10.6% की वृद्धि हुई थी, जो इससे थोड़ी ज़्यादा है। ऐसे में दोस्तों, देखा जाए तो साल 2022 में 10 साल पहले यानी 2012 में भारतीय उद्योग जगत में काम करने वाले कर्मचारियों की सैलरी डबल डिजिट में बढ़ी थी। इस बार सर्वे में देश में 40 से अधिक उद्योगों की 1300 कंपनियों का विश्लेषण किया गया। इस साल कर्मचारियों की सैलरी में औसतन 10.5% की वृद्धि के साथ भारतीय उद्योग जगत ने दुनिया के कई विकसित देशों की तुलना में अधिक ग्रोथ की है। विश्लेषण में ये भी बताया गया कि साल 2022 की पिछली 6 माही में नौकरी छोड़ने वाले लोगों की संख्या 20.3% थी, जो कि साल 2021 में दर्ज की गई 21% की तुलना में कम है। सर्वेक्षण में ये बात कही गई है कि यही तरीका अगले कुछ महीनों तक ऐसे ही रहने की उम्मीद है। ऐसे में दोस्तों, मौजूदा समय में हर क्षेत्र में भारत का दबदबा देखने को मिल रहा है। बीते कुछ सालों में भारतीय IT क्षेत्र में काफ़ी तरक्की हुई है। भारतीय टेक कंपनियों और स्टार्टअप ने अपने मजबूत प्रदर्शन किया है। कई तरह तरह की सरकारी योजनाएं जैसे कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत इसमें काफ़ी सहयोग कर रही है। भारत एक वैश्विक केंद्र के रूप में उभर कर सामने आ रहा है। भारत के विकास में अपना योगदान देने के लिए टाटा समूह भी आगे आया है, और अब टाटा समूह की योजना भारत में आईफोन का निर्माण करने की भी है, जिससे भारत में काफ़ी सारा रोजगार आने वाला है, और इससे भारत में बेरोजगारी दर बिल्कुल कम हो जाएगी और इससे भारत का ही विकास होगा। वहीं दोस्तों, एक तरफ जहां दूसरे देश की कंपनियां नुकसान झेल रही हैं, वहीं भारतीय कंपनियां नए आयामों को छूती नजर आ रही है। गौतम अडानी और मुकेश अंबानी दुनिया भर में अमीरों की लिस्ट में टॉप 5 में बैठे हैं और हमारे देश का नाम रोशन कर रहे हैं। यही कारण है कि मौजूदा समय में भी भारतीय अर्थव्यवस्था काफ़ी मजबूत बनी हुई है। इन सब हालातों का सामना करते हुए भी भारतीय अर्थव्यवस्था मौजूदा समय में काफ़ी अच्छी स्थिति में है। वर्तमान समय में भारतीय इकॉनमी दुनिया में सबसे तेजी से दौड़ रही है। कुछ दिनों पूर्व ही जारी हुए आंकड़ों के अनुसार फाइनेंशियल ईयर 2022-23 की पहली तिमाही में भारत का सकल घरेलू उत्पाद यानी GDP 13.5% की गति से बढ़ा है। वहीं हाल ही में भारत ब्रिटेन को पछाड़कर
दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी बना है। ये सब कुछ दर्शाता है कि कैसे मुश्किल परिस्थितियों का सामना करके भी भारतीय अर्थव्यवस्था पूरी दुनिया में काफ़ी मजबूत बनी हुई है, जो देश के लिए अच्छी खबर है। ऐसे में दोस्तों अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत आगे और कैसे विकास करता है और दुनिया के सामने एक अच्छी मिसाल बनता है। तो दोस्तों आपकी इस पूरे मुद्दे के बारे में क्या राय है, आपको क्या लगता है, आप दोस्तों हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आइए दोस्तों अब आपको दूसरी खबर की तरफ लेकर चलते हैं। तो दोस्तों भारत का एक नया हथियार जो छुड़ा देगा चीन और पाकिस्तान के पसीने, भारत ने किया एक और धमाका। अमेरिका और रूस भी देखकर हो गए दंग, पाकिस्तान और चीन में मचा हड़कंप। दोस्तों हिंदुस्तान अपने हथियार के बेड़ों में एक से एक हथियार शामिल कर रहा है। इन हथियारों की धमक उसे न केवल आत्मनिर्भर बना रही है बल्कि दुनिया में उसकी नई पहचान बना रही है। ये हथियार न केवल आज की जरूरत के लिहाज से बल्कि भविष्य की चुनौतियों के लिहाज से भी तैयार किए जा रहे हैं। ऐसा ही एक और हथियार भारत के बेड़े में शामिल होने वाला है जिसका नाम है इंटरसेप्टर AD-1 BMD यानी बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस सिस्टम। आइए जानते हैं कि आखिर ये मिसाइल है क्या। तो दोस्तों AD-1 की लंबाई दूरी की इंसेप्टर मिसाइल है जिसे लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल के साथ साथ फाइटर प्लेन को रोकने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 2 स्टेज वाली ठोस मोटर से संचालित की जाती है, साथ ही लक्ष्य पर सटीक निशाना लगाने के लिए स्वदेशी रूप से विकसित एडवांस कंट्रोल सिस्टम से लैस है। ये मिसाइल पृथ्वी के वायुमंडल के सबसे ऊपरी हिस्से में मिशन को पूरा करने में सक्षम है। दोस्तों इससे पहले 21 अक्टूबर को भारत ने अग्नि प्राइम मिसाइल का तीसरी बार सफल परीक्षण किया था, जो नई जनरेशन की मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे पूरी तरह से देश में ही विकसित किया गया है। 21 अक्टूबर को APJ अब्दुल कलाम आइलैंड से इस मिसाइल की लॉन्चिंग हुई। फायर टेस्ट में मिसाइल ने सभी पैमानों को पूरा किया। ऐसे में अग्नि प्राइम मिसाइल कई मायनों में खास है। इसकी मारक और रेंज ज़्यादा है, जो 1 से 2000 किलोमीटर तक टारगेट को तहस नहस करने का मादा रखती है। ऐसे में ये टेस्टिंग सभी प्रकार के बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस वेपन सिस्टम भागीदारी के साथ किया गया था। ऐसे में दोस्तों DRDO ने इस टेस्टिंग का एक वीडियो साझा किया है जिसमें BMD इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का पहला सफल परीक्षण होता नजर आ रहा है। ऐसे में दोस्तों भारत लगातार रक्षा के क्षेत्र में खुद को आत्मनिर्भर करने में जुटा हुआ है। दुनिया के देशों में बढ़ती सैन्य और हथियार की शक्ति के बीच भारत भी लगातार बड़ी ताकत बनकर उभर रहा है। इसी कड़ी में अब बुधवार को उड़ीसा के APJ अब्दुल कलाम द्वीप से दूसरे चरण की बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस BMD इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया, जिसके बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने AD-1 के सफल परीक्षण से जुड़ी DRDO और बाकी टीमों को बधाई दी। रक्षा मंत्री ने AD-1 को दुनिया के बहुत कम देशों के पास उपलब्ध उन्नत तकनीकों के साथ एक अद्वितीय तरह का इंटरसेप्टर बताया और विश्वास जताया कि ये देश की BMD क्षमता को अगले स्तर तक और मजबूत करेगा। वहीं अब उसके बाद DRDO प्रमुख डॉक्टर समीर कामत ने द्वितीय चरण बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस इंटरसेप्टर AD-1 मिसाइल के पहले उड़ान परीक्षण के बारे में जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि हमने शुरुआत में 2000 किलोमीटर वर्ग के आने वाले मिसाइलों को नष्ट करने के लिए BMD चरण 1 की क्षमता विकसित की थी, लेकिन कल के परीक्षण के बाद अब हम 5000 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र के किसी भी मिसाइल को नष्ट करने में सक्षम हो गए हैं। आपको बता दें दोस्तों कि ये मुख्य रूप से एंडो एटमॉस्फेरिक है, लेकिन ये कम एक्सो वायुमंडलीय एरिया में भी काम करता है। ऐसे में हम समानांतर रूप से हाई एक्सो वायुमंडलीय एरिया के विकास के लिए काम कर रहे हैं। भविष्य में युद्ध की स्थिति में भारत के रूस समेत अन्य देशों की मिसाइलों पर निर्भरता को ये कम करेगा। स्वदेशी मिसाइल से भारत दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब देने में सक्षम होगा। तो दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है, आप हमें नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं।